तक ब्यूरो। और कोरोना के इस मार के बीच वैक्सीन पर लड़ाई छिड़ गई। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी में वैक्सीन की किल्लत का आरोप लगाकर सरकार को घेरा। उन्होंने वैक्सीन कंपनियों को आर्थिक मदद के साथ साथ विदेशी वैक्सीन निर्माताओं को मंजूरी देने की मांग कर डाली। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर विदेशी फार्मा कंपनियों के लिए लॉबिंग करने का आरोप लगा दिया। वैक्सीन सेक्टर का वैक्सीन का स्टॉक खत्म हुआ है। मुंबई का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बीकेसी, लेकिन शुक्रवार को घोषणा ये करनी पड़ी कि वैक्सीन का स्टॉक खत्म है, वैक्सीन नहीं लगी। सिर्फ मुंबई के बीकेसी सेंटर ही नहीं, बीएमसी के मुताबिक वैक्सीन की किल्लत के चलते कई सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का काम रोका गया है। वैक्सीन न होने से टीकाकरण पर ब्रेक महाराष्ट्र के अन्य इलाकों में भी लगा है। नागपुर का सरकारी अस्पताल जीएमसी भी उनमें से एक है। मेरी देवरानी, मेरा देवर, हम लोग आए यहाँ वैक्सीन लेने के लिए। ये भी अच्छे से नहीं बता रहे कि कब आएंगे और कब नहीं आएंगे। महाराष्ट्र ही नहीं, देश के कई अन्य राज्यों में भी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों को निराश होना पड़ रहा है। बिहार के दरभंगा का ये वैक्सीनेशन सेंटर गुरुवार से ही स्टॉक नहीं होने का नोटिस चिपका चुका है। क्यों आए हैं यहाँ, क्यों बैठे हुए? टीका लगाने के लिए। क्या हुआ? कोरोना सोमवार को मिलेगा, वैक्सीन खत्म हो गया। दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में कई सेंटर्स पर वैक्सीन की कमी देखी जा रही है। वजह, वैक्सीन क्यों नहीं लगी, आपकी अस्पताल ने क्या कहा ये बताइए। इसके इनके स्टॉक में नहीं, हमने आपको मैसेज दे दिया है, जबकि डीएम का रिपोर्ट है कि वही शॉर्टेज नहीं है। मेरे को भी, मैं आज अभी इतनी दूर से आई हूँ, इतनी परेशानी उठा के, तो यहाँ पर मेरे को कोई मैसेज नहीं दिया। कहते मेरे को मैसेज आपको दिया है, लेकिन आज की डेट थी मेरी सेकंड डोज की। अब सेकंड डोज का फिर अगर पता नहीं कब आती है, या हमारा नंबर भी दोबारा आता है कि नहीं आता। वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने की आशंका में जहाँ वैक्सीन मौजूद है वहाँ भी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के इस वैक्सीनेशन सेंटर पर बिना रजिस्ट्रेशन कराए तमाम लोग पहुंचे, जिससे उन्हें परेशानी उठानी पड़ी जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। वैक्सीन को लेकर मचे इस हंगामे पर राजनीतिक हंगामा मचना ही था। दो दिन पहले कोविड से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र ने जब वैक्सीन की कमी की बात की थी, तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने महाराष्ट्र में कोरोना रोकथाम के मैनेजमेंट पर ही सवाल उठा दिया था। लेकिन अब राहुल गांधी ने वैक्सीन की कमी और स्वास्थ्य मंत्री के बयान को आधार बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख दी है। उन्होंने सवाल उठाया कि वैक्सीन की रफ्तार सुस्त क्यों है, वैक्सीन की कमी बताने वाले राज्यों पर निशाना क्यों है, साथ ही जन स्वास्थ्य पर राज्यों के अधिकार में केंद्र की दखल क्यों। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को लिखी गई चिट्ठी में सात मांगे की है। इनमें शामिल है वैक्सीन निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए कंपनियों को वित्तीय मदद देने की मांग, वैक्सीन का निर्यात रोकने की मांग, सभी आयु वर्ग का वैक्सीनेशन कराने का भरोसा देने की मांग, और वैक्सीन की खरीद और वितरण में राज्यों की भागीदारी बढ़ाने की मांग। का साफ साफ ये मतलब है कि परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, जितनी वैक्सीन डोजेज राज्यों को चाहिए वो नहीं मुहैया करवाई जा रही, शायद कई राज्यों को ज़्यादा वैक्सीन दी जा रही है बनस्पत बाकी राज्यों के, और क्या ये इत्तेफाक की बात है कि जिन राज्यों को कम वैक्सीन दी जा रही है वो विपक्षी राज्य हैं। इस चीज़ की एक बहुत गहराई से जाँच करने की ज़रूरत है। हालांकि वैक्सीन को लेकर हो रही तकरार के बीच सरकार का दावा है कि जितनी जरूरत है उतनी वैक्सीन मौजूद है। वैक्सीन कम पड़ रही है ठीक बात नहीं है, सब राज्यों में वैक्सीन उपलब्ध कराए गए हैं और जितना चाहिए उतना उपलब्ध हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 9,80,00,000 डोज दी जा चुकी है। स्टॉक और डिलीवरी में 2,40,00,000 डोज है, साथ ही 1,90,00,000 वैक्सीन डोज पाइपलाइन में है। We have given 36,91,511 doses. This figure, in fact, in last week we one day even gave 43 lakh doses.
दिस इज प्रोबेबली द हाईएस्ट गिवन एनीवेयर इन द होल वर्ल्ड। वैक्सीन की कमी के राहुल गांधी के आरोपों को लेकर सरकार के मंत्रियों की ओर से पलटवार भी हुआ है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल पर बड़ा आरोप लगाकर कहा कि पार्ट टाइम नेता के तौर पर नाकाम राहुल अब फुल टाइम लॉबिंग कर रहे हैं। पहले उन्होंने लड़ाकू विमान कंपनियों के लिए लॉबिंग की, अब विदेशी फार्मा कंपनियों के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। अब वैक्सीन पॉलिटिक्स पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी दो दिन का वैक्सीन स्टॉक होने की चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखकर केंद्र पर दबाव बढ़ा दिया है। दिल्ली से आनंद पटेल और जयपुर से शरद कुमार के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक।